क्रिकेटर बनने का सपना भारत में लगभग हर गली का बच्चा देखता है, पर जब बात आती है मेहनत करने की तो आधे से ज्यादा फेल हो जाते हैं। दोस्तों, क्रिकेटर बनना आज के जमाने में आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए है कि आपको हर जगह क्रिकेट का माहौल और सिखाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाएगा, पर मुश्किल इसलिए है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, बात कंपटीशन की नहीं है, बात है मेहनत और स्ट्रगल की। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम दिन में 2 घंटे एकेडमी जाकर क्रिकेटर बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जब आप स्कूल में 4 घंटे पढ़ाई करके पास तक नहीं हो पाते, उसके लिए अलग से ट्यूशन और घर पे पढ़ना पड़ता है, तो सिर्फ 2 घंटे एकेडमी जाकर कुछ नहीं होने वाला। उससे अच्छा है कि अपना वो 2 घंटा कहीं और दो, कुछ और सीखने में, कुछ और काम करने में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 2-4 घंटे एकेडमी में जाकर टाइम पास करके कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप सच में एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 24/7 आपके दिमाग में क्रिकेट के प्रति मेहनत और उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। और दुनिया के जितने भी बाकी काम हैं, आपके लिए सारा काम सेकेंडरी होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ऐसे टाइम पास करने का। क्योंकि और भी खिलाड़ी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सुबह शाम उठते जागते सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं। तो आप खुद सोचो कि जो खिलाड़ी पूरा दिन मेहनत करता है, तो आप 2 घंटे प्रैक्टिस करके उन खिलाड़ियों को कैसे बीट कर पाओगे। दोस्तों, जिस समय आप सो रहे होते हो ना, उस समय भी खिलाड़ी सिर्फ जागकर सपना नहीं देखते, वो इसके लिए हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। और एक आप हो जो सिर्फ सपने देखते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो और बहाने बनाकर अपने पेरेंट्स का दोष देते हो। बहुत सारे लोग हमें शिकायत करते हैं कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। क्यों करे भाई तुम्हें सपोर्ट, ऐसा किया ही क्या है तुमने अब तक। हाँ, जिस दिन आपकी काबिलियत पर उन्हें भरोसा हो जाएगा ना, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। मैंने तो कुछ लड़के ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। घर से पैसा मिल ही जाता है, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, और जब बारी आती है खेलने की तो 2-4 रन बनाकर आउट हो जाएंगे और फिर बहाने बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये साफ है कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो टाइम पास करके भी आप इस मुकाम को पा लोगे। दोस्तों, ये क्रिकेट ना एक बहुत बड़ी संघर्ष है, ये बहुत समय मांगती है और समय के साथ साथ स्ट्रगल और मेहनत भी। अगर सिर्फ क्रिकेटर बनने का सपना देखकर कोई क्रिकेटर बन जाता ना, तो आज क्रिकेटरों की कोई वैल्यू नहीं होती। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोग ना सिर्फ लोगों की कामयाबी देखते हो, और यही कारण है कि आप कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों, एक बात कहीं पर आप नोट कर लो, क्योंकि ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देगी। अगर आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, तो कामयाब लोगों की कामयाबी मत देखो, बस उनके पीछे का मेहनत और संघर्ष जानने की कोशिश करो। और जो लोग इस फील्ड में मेहनत करके नाकामयाब हुए हैं, उनकी नाकामयाबी का कारण पता करने की कोशिश करो, और उन्होंने जो गलती की है उस गलती से हमेशा बचो। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि आजकल के बच्चों को सब कुछ पास में परोस कर चाहिए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि कल वही चीज जब आपको कमाने की बारी आएगी, तो आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। मेरे दोस्त, ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि क्रिकेट एक जंग है। अगर आप रिस्क लोगे तभी कुछ कर पाओगे, अगर रिस्क नहीं लोगे तो बस अपने आप को कोसते रहोगे कि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करता तो ऐसा बन जाता। दोस्तों, आपके पास आज भी टाइम है, रिस्क लो। उड़ना या डूबना बाद की बात है, पर सिर्फ एक जगह पर बैठकर सपने देखना सबसे गलत बात है, क्योंकि ऐसे में आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा। दोस्तों, एक बात सोचो कि अगर आप मिडिल क्लास या लो क्लास घराने में पैदा हुए हो और बिना कुछ किए ऐसे ही एक दिन दुनिया से चले जाओगे, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। अगर कुछ करना है तो देर मत करो, उसके लिए परिस्थितियों को समझकर अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम पर हंसने के बजाय तुम्हारा रिस्पेक्ट करें। और मेहनत तब तक करो जब तक आप अपने सपने को हकीकत में न बदल दो। और दोस्तों, एक चीज और मैं आपको खुलकर बोलना चाहूंगा कि स्ट्रगल के दिनों में हमेशा 2 चीजों से बचकर रहना चाहिए, पहला लड़की और दूसरा नशा, क्योंकि दोस्तों ये 2 चीजें ना आपकी लाइफ खत्म कर देती है। दोस्तों, इसका समाधान भी मेरे पास है कि जिस दिन आपको खुद की वैल्यू पता चल जाएगी ना, उस दिन से आप दूसरों को टाइम देने के बजाय खुद को टाइम दोगे, और उसी टाइम में आप नशीली पदार्थों के बजाय मेहनत का नशा करोगे। दोस्तों, यकीन मानो कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही बड़ी चीज होती है। अगर आप आज खुद की कदर करते हो, तभी कल होकर के लोग आपकी कदर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सफल होना है, सपने को हकीकत में बदलना है, तो सेल्फ लव और अपने मेहनत के प्रति ईमानदारी भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इस वीडियो से आप काफी मोटिवेट भी होंगे। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर इसलिए करें ताकि वो भी इन चीजों को सीख सकें और खुद की कदर कर सकें और अपने सपने को हकीकत में बदल पाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक पे शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल खेल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बात और कि आजकल मैं वीडियो थोड़ा लेट लाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी, पर मेरा भी एक सपना है यार और उसे पूरा करना है, तो उसके लिए भी टाइम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी वीडियो लाऊं, ताकि आप सब भी मेरे साथ साथ अपने सपने को पूरा कर पाएं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।